कांवड़ सेवा दल द्वारा हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कांवड़ियों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन चौहान द्वारा कांवड़ियों को भोजन भी कराया गया। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन माह में कांवड़िए गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कांवड़ पर बांध कर अपने अपने इलाके में शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं। कांवड़ सेवा दल हरिद्वार द्वारा कांवड़ियों के रहने खाने और सोने की उचित व्यवस्था की गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।